दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल स्वाति सिंह लेक्चर्स में। फ्रेंड्स, हम कर रहे हैं सप्लीमेंट्री रीडर का चैप्टर 1 जो कि है द थर्ड लेवल। फ्रेंड्स, हम कर रहे हैं इसका शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन और क्वेश्चन नंबर 7 तक हमने ऑलरेडी कंप्लीट कर लिया है। आज हमें करना है क्वेश्चन नंबर 8 से। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 8 है, व्हाट इंफॉर्मेशन अबाउट गैलसबर्ग इलिनॉइस इज गिवन इन द टेक्स्ट। यानी कि इस चैप्टर में जो जगह है गैलसबर्ग इलिनॉइस, इसके बारे में क्या इन्फॉर्मेशन दी गई है, यानी कि ये जगह कैसी थी, क्या बताया गया इसके बारे में। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम इसका आंसर देखते हैं। तो फ्रेंड्स, ये रहा इसका आंसर। आइए देखते हैं कि हम इसमें क्या लिखेंगे। आप इसमें लिखेंगे, गैलसबर्ग इलिनॉइस इज स्टिल ए वंडरफुल टाउन विथ बिग ओल्ड फ्रेम हाउस, ह्यूज लॉन्स एंड ट्रीमियस ट्री। यानी कि जो गैलसबर्ग इलिनॉइस जगह है, गैलसबर्ग इलिनॉइस जो जगह है, कैसा है, बहुत ही वंडरफुल है, बहुत ही आश्चर्यजनक है, बहुत ही अच्छा है। वहाँ पे घर कैसे हैं, बिग ओल्ड फ्रेम हाउस, वहाँ पे जो घर हैं बहुत ही बड़े हैं, वहाँ पे फ्रेम वाले सब शीशे लगाए हुए हैं, घर कैसे है? बहुत ही सुंदर है। ह्यूज लॉन्स, और वहाँ का जो लॉन है, लॉन एरिया है, भी क्या है, बहुत ही बड़ा है। एंड ट्रीमियस ट्रीज, और वहाँ के जो पेड़ पौधे भी क्या है, बहुत ही विशाल हैं। आगे आप लिखेंगे, इन 1894 इट रिफ्लेक्टेड द वर्ल्ड ऑफ रोमांस, लीजियर, फ्रीनेस एंड रिपोज। पहले जिसमें हार्ड वर्ड है उसको हम समझ लेते हैं कि क्या है। लीजियर मतलब होता है फुर्सत का समय, खाली समय, आप समझ सकते हैं। फ्रीनेस मतलब होता है स्वतंत्रता, आप जानते ही हैं। एंड रिपोज, रिपोज मतलब होता है शांति, विश्राम, ठीक है। तो समझते हैं कि क्या लिख रहा है। इसमें लिखेंगे आप, इन 1894 इट रिफ्लेक्टेड ए वर्ल्ड ऑफ रोमांस, लीजियर, फ्रीनेस एंड रिपोज। यानी 1894 के समय यह जो जगह थी गैलसबर्ग इलिनॉइस, ये किस चीज़ को शो करती थी, ये करती थी रोमांस को, मतलब कि यहाँ पे लोगों के बीच में क्या था, प्यार था। लीजियर यानी सबके पास फुर्सत का समय था, क्योंकि आज का जो समय वो कैसा है, आज के समय में लोगों के पास एक दूसरे के लिए समय नहीं है, सब अपने काम में क्या है, व्यस्त है। लेकिन उस समय में लोगों के पास क्या था, फुर्सत का समय था, खाली समय था, एक दूसरे के लिए टाइम था। फ्रीनेस यानी स्वतंत्रता थी। एंड रिपोज, उस समय क्या था, शांति था, आपस में लोग लड़ते झगड़ते नहीं थे, एक दूसरे के साथ प्यार से रहते थे, शांति से रहते थे, इसलिए उस जमाने में क्या था, शांति थी। और ये जगह क्या था, बहुत ही खूबसूरत था। तो फ्रेंड्स, ये रहा क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो फ्रेंड्स, हमारा क्वेश्चन नंबर 9 है, व्हाट हैपेंड विद चार्ली एट टिकट विंडो। यानी कि टिकट की खिड़की पर चार्ली के साथ क्या हुआ था, आप समझिए इसको पहले। चार्ली क्या सोचता है, सोचता है कि हम भी इस युग में चले जाएं जहाँ पर हमेशा क्या है, शांति है, सबके पास फुर्सत का समय है, सब लोग एक दूसरे के साथ प्यार से रह रहे हैं, तो उस युग में हम वापस से चले जाते हैं। इसके लिए क्या करता है, वो जाता है टिकट जहाँ से खरीदा जाता है उस खिड़की पर जाता है और सोचता है कि दो हम टिकट ले लें, एक खुद के लिए और एक अपनी पत्नी के लिए। और जब वो खरीदने के लिए जब वो टिकट पे जाता है, टिकट की विंडो पे, तो क्या देखता है, जब वो कुछ रुपये निकाल के देता है टिकट खरीदने के लिए, तो जो क्लर्क रहता है वो देखता है कि ये नोट क्या थे, उस जमाने के नोट से काफ़ी डिफरेंट हैं। और ये देखकर वो जो क्लर्क है, जो टिकट बेच रहा होता है, वो सोचता है कि चार्ली उन्हें क्या कर रहा है, चीट करने की कोशिश कर रहा है, और उन्हें वो टिकट नहीं देता है। तो हम इस चीज़ को लिख देंगे अपने आंसर में। चलिए हम इसका आंसर देखते हैं। तो फ्रेंड्स, ये रहा इसका आंसर। आप इसमें लिखेंगे, चार्ली वेंट टू द टिकट काउंटर फॉर द टू टिकट्स टू गैलसबर्ग। यानी कि चार्ली जो है वो काउंटर पर जाता है दो टिकट खरीदने के लिए। ही पेड द करेंसी ऑफ द प्रेजेंट वर्ल्ड विच वाज टोटली डिफरेंट फ्रॉम 1890s वर्ल्ड। यानी कि वो क्या करता है, पैसा, टिकट खरीदेंगे तो पैसा पे करेंगे ना, तो पैसा पे करता है जो आज के ज़माने का पैसा रहता है, जो कि 1890s के समय में जो पैसा चलता था उससे क्या था, बिल्कुल ही अलग था, बिल्कुल डिफरेंट था। ऑन सीइंग द बिग नोट्स द कलर टॉट दैट चार्ली वाज ट्राइंग टू चीट हिम। और उस वो जो नोट था, आज के ज़माने के जो नोट थे वो क्या थे, काफ़ी बड़े थे, और 1890s के समय के जो नोट थे वो क्या थे, काफ़ी छोटे थे। तो काफ़ी बड़े नोटों को देखकर जो क्लर्क रहता है, जो टिकट बेच रहा होता है, क्लर्क जो काउंटर पर जो क्लर्क बैठ रहता है, वो सोचता है कि चार्ली उन्हें क्या कर रहा है, चीट करने की कोशिश कर रहा है, उन्हें नकली नोट दे रहा है। और ये देखकर क्या कहता है, उन्हें धमकी देता है, क्या कर लेगा, उन्हें अरेस्ट करा देगा। थ्रेटन मतलब होता है धमकी देना या फिर डांटना। ही थ्रेटन्ड टू गेट हिम अरेस्ट, उन्हें कहता है, उन्हें धमकी देता है कि वो अगर उन्हें चीट करेगा तो उसे क्या कर देगा, उसे अरेस्ट कर लेगा, ठीक है। तो फ्रेंड्स, ये रहा आंसर नंबर 9। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो फ्रेंड्स, हमारा क्वेश्चन नंबर 10 है, डिड चार्ली फाइंड अ कॉरिडोर एट ग्रेट सेंट्रल स्टेशन अगेन, वाई आर वाई नॉट। यानी कि इस क्वेश्चन में पूछा गया कि क्या चार्ली को दोबारा से ग्रैंड सेंट्रल का गलियारा मिला, क्यों मिला, क्यों मिला तो क्यों, कैसे मिला, और नहीं मिला तो क्यों नहीं मिला, तो हमें ये बताना है। तो फ्रेंड्स, समझिए, जब चार्ली को जो टिकट काउंटर पर जो क्लर्क बैठा रहता है, जब वो टिकट नहीं देता है और उसे धमकी देता है कि मैं तुम्हें पुलिस अरेस्ट करवा दूंगा अगर तुम मुझे चीट करोगे, तो चार्ली जो होता है वो डर के क्या होता है, चला जाता है और कहता है कि मैं अब आऊँगा दोबारा से इस ज़माने के पैसे लेके, यानी 1890s के ज़माने के पैसे लेकर आऊँगा, फिर मैं टिकट खरीदूँगा, फिर मैं जाऊँगा।
और ये सोच कर चल जाता है, लेकिन जब वो दोबारा आता है तो दोबारा उसे गलियारा नहीं मिलता है। तो फ्रेंड हम इन्हीं सब चीज़ों को इसमें लिख देंगे। तो चलिए हम इसका आंसर देखते हैं। तो फ्रेंड्स ये रहा इसका आंसर, आप इसमें लिखेंगे ही ट्राइड हिज बेस्ट टू फाइंड अ कॉरिडोर दैट लेड टू द थर्ड लेवल एट ग्रेट सेंट्रल स्टेशन बट ही नेवर फाउंड इट। यानी कि जो चार्ले रहता है वो अपनी तरफ से पूरी कोशिश करता है कि वो ग्रेट सेंट्रल स्टेशन का जो तीसरा कॉरिडोर है थर्ड लेवल उसे वो ढूंढ सके, लेकिन उसे वो दोबारा नहीं मिलता है। क्यों नहीं मिलता है? सिंस द थर्ड लेवल इज जस्ट ए मीडियम फॉर रिस्पेक्ट, सो चार्ली इज नॉट ओनली लीजरिंग बट ही हैज आल्सो एंटर्ड इनटू द वर्ल्ड ऑफ फैंटेसी एंड रोमांस। यानी कि दोस्तों जो थर्ड लेवल रहता है क्या रहता है, टाइम ऑफ स्पेस रहता है, मीडियम फॉर रिस्पेक्ट रहता है। यानी कि जो चार्ली रहता है वो गलती से आ गया रहता है उस थर्ड लेवल में। यानी कि थर्ड लेवल जो था कि एक तरह का टाइम ट्रेवल था, यानी कि एक समय से दूसरे समय में पहुंच जाना, अपने पीछे के समय पहुंच जाने का वो रास्ता था जो कि गलती से आ गया था। जैसे कहा जाता है कि कभी कभी क्या होता है, समय की दिशा थोड़ा बदलती है जिसकी वजह से समय से कुछ आगे आ जाता है फिर समय से कुछ पीछे आ जाता है। तो चार्ली के केस में क्या हुआ था कि वो जिस जगह पर पहुंचा था वो क्या था, समय से उसके काफ़ी पीछे का समय था। यानी कि वो जिस समय में रह रहा था उसे काफ़ी पीछे के समय में रह रहा था, वो कि कुछ समय के लिए होता है। दोबारा जब वो चार्ली चला जाता है उस जगह पर से, वापस उस जगह पूरी हट जाती है क्योंकि गलती से ऐसा हुआ था, और इसलिए क्या होता है कि दोबारा से उस जगह को नहीं ढूंढ पाता है। लेकिन चार्ली क्या होता है, एक सेकेंड के लिए, कुछ टाइम के लिए उस जगह में, जो जगह फैंटेसी और रोमांस पूरे प्यार से भरी हुई थी, पूरी शांति से भरी हुई थी, उस जगह में थोड़ा सा प्रवेश कर पाता है, लेकिन उस जगह में पूरा क्या होता है, जा नहीं पाता है। क्योंकि क्या रहता है, मीडियम फॉर स्पेक्स रहता है, कुछ समय के लिए गायब रहने की जगह रहती है जो कि कुछ समय के लिए रहती है, जिसमें चार्ली एंटर नहीं हो पाते हैं। तो आप ये आंसर इसमें लिख देंगे। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो फ्रेंड्स हमारा क्वेश्चन नंबर 11 है, हु वाज सैम वेनियर, वेयर वाज ही डिसअपीयर्ड एंड व्हाई। यानी कि सैम वेनियर जो थे वो कौन थे और वो कहाँ गायब हो गए थे और क्यों गायब हो गए थे। तो चलिए फ्रेंड्स अब हम इसका आंसर रखते हैं। तो फ्रेंड्स ये रहा इसका आंसर, आप इसमें लिखेंगे सैम वेनियर वाज अ फ्रेंड ऑफ चार्ली। यानी जो सैम वेनियर थे वो कौन थे, चार्ली के दोस्त थे। एंड ही वाज आल्सो ए साइकेट्रिस्ट, और वो एक साइकेट्रिस्ट भी थे, मनोवैज्ञानिक भी थे। नोबडी न्यू वेयर सैम डिसअपीयर्ड, यानी कोई नहीं जानता था कि सैम कहाँ गायब हो गए हैं। बट चार्ली सस्पेक्टेड दैट ही हैड गॉन टू गैलसबर्ग, लेकिन चार्ली को ये संदेह था कि वो कहाँ पे चले गए हैं, गैलसबर्ग में चले गए हैं। ऐसा क्यों संदेह था? बिकॉज ही ऑलवेज सेड दैट ही लैक्ड द साउंड ऑफ द प्लेस, क्योंकि जो सैम थे उससे हमेशा कहे करते थे, किससे, चार्ली से हमेशा कहा करते थे कि उस जगह की म्यूजिक उन्हें क्या है, बहुत ही पसंद है, उस जगह की आवाज़ क्या है, बहुत पसंद है। यानी कि गैलसबर्ग का जो जगह है उन्हें क्या है, काफ़ी पसंद है। और हो सकता है, मतलब चार्ली को ऐसा सस्पेक्ट था, चार्ली का ऐसा संदेह था कि सैम वॉर्नर को थर्ड लेवल मिल गया था, ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन का थर्ड लेवल मिल गया था, और जिसके कारण वो उसमें चले गए थे, ऐसा चार्ली को लगता था। तो फ्रेंड्स इसके जो बाकी के क्वेश्चन हैं, यानी क्वेश्चन नंबर 12, 13 एंड 14, इसको हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो आपको वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। अगर आपको अच्छी लगी तो इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।